बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट भाई ये है कि मैं एक साइट पर मौजूद था तो मुझे एक सऊदी ने वहाँ पर बुलाया है। अभी मेरे पास था ऐसे, वो एक चीज़ फेंकने आया तो मैंने देखा तो वो मुझे बोल रहा है अभी हम तो पाकिस्तानी। मैंने बोला अभी हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। तो वो मेरे पास ले आया, मुझे बोला ये देखो, ये पाकिस्तानियों का हाल देखो, ये चीज़ मैंने ली है, कुछ दिन ही चली है, तो इसकी कंडीशन देखो। वो चीज़ क्या थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने वीडियो बनाई है उसकी बकायदा, तो आप देखें जी और उसके प्राइस भी देखें आपके, उसने कितने की ली है और उसके कितने दिन वो डाली है, ये उसका क्या बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मक्का शहर है, ठीक है। एक चीज़ मैं दिखाऊँगा आपको, पाकिस्तानियों के वैरायटी है जी यहाँ पर। ये सऊदी भी एतराज़ कर रहा था तो मैंने बोला चलो आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दूँ। सऊदी मेरे को दिखा रहा था अंतर पाकिस्तानी, मैं हाँ बोलता मैंने ये शूज़ लिए हैं, देखो कि ये कुछ दिन ही मैंने पहने हैं और इनकी हालत देखो। अच्छा, मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है ये, पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देख लीजिए, ठीक है, मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। उसके बाद शूज़ों की कंडीशन देख लीजिए, ये आगे से बिल्कुल फट गया है, ठीक है। ये एक नहीं है, फिर दूसरा देख लीजिए, मेड इन पाकिस्तान, ये नीचे से भी मैं आपको दिखा दूँ, 44 नंबर है जी। दूसरे का भी बिल्कुल वही सेम हालत हुई है जो पहले वाले की हुई है, देख लें। तो फिर ये बोलते हैं जी कि पाकिस्तानी वैरायटी जो है वो दूसरे ममालक में सेल नहीं होती है, बिकती नहीं है। तो यार सेल अभी, ये सऊदी ने ये शूज़ लिए हैं, मेड इन पाकिस्तान है, ये फट गए कुछ दिन पहनने के बाद ही, अभी क्या ये दोबारा लेगा? कभी भी नहीं लेगा। ये पाकिस्तानी वैरायटी, ये क्या कोई भी नहीं कभी लेगा। तो यार बाहर के ममालक में कोई चीज़ भेजें तो एक नंबर भेजे, वरना मत भेजे, पाकिस्तान में सेल करें। तो इनकी कंडीशन देख लें जी, मैंने आपको दिखा दी है, कुछ दिन पहनी है, वो बोलता है 100 के ऊपर मैंने रियाल के लिए हैं, तो देख लें जी।